और आप जब देखिएगा वो मिनिस्टर को दिलाते हैं 60 मिनट फोन में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाता है, जो पिछले और कहने से गुजरा मिलता है, तो तरी भी शरण या लिहाज जिसको कहते हैं कि हम लोग मिनिस्टर को जेल जा रहे हैं, वह ये कहते हैं कि वो बड़ा काम करके जरूर होना चाहिए। तो पूर्णतः शिक्षा नहीं हो चुकी, पूर्ण तरह बेशर्मी का हद है, जाएंगे इस तरह से प्रोफेस होंगे लगता है कि धरती का काम हो जाएगा। आपकी लड़ाई की लोकायुक्त का काम देखिए, लोकायुक्त का काम है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किस तरह से पाया जाए कोई भी पब्लिक सर्विस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर कोई भ्रष्ट तरीका अपनाता है, उसके खिलाफ भी कोई कंप्लेन आता है, तो उसके इंक्वायरी करके उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को अनुशंसा करती है। यहाँ अभी तक कोई बहुत बड़ा मामला में कोई कंप्लेन फाइल हुआ नहीं, या फिर इसके लिए जानकारी की कमी है। यहाँ ज़्यादातर केसेज हम देखते हैं कि टीचर के खिलाफ, और वो भी बड़े बड़े अफसर के खिलाफ कभी मामला है। पहले मामला है रिटायरमेंट बेनिफिट को सरकार ने नहीं दिया, बहुत ही घुटाल के बैठे हुए हैं, ये सभी कमी हो रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और कुछ बंगली के केसेज हैं, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं होना, सरकारी योजनाओं में घोटाला होना, ये सब है। बहुत से मामलों में कार्रवाई किया है। मेरा कंपनी का तरीका यह है कि जब भी कोई कंप्लेंट आता है तुरंत चल पाएगा, और हमको अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एजेंसी नहीं है, हमको डिपेंड करना पड़ता है क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट के क्रेडिट डिपार्टमेंट या विजिलेंस ब्यूरो की या भी जनरल पुलिस। कहीं ऐसा नहीं लगता है किसी को वो समस्या उन्हीं जाके इशू पर आ जाती है, जिनके कारण कहीं से भी समस्या बनी हुई है। तो मैंने आपका इंडियन एयर यूनिट में एडमिन करता है ना, वहाँ पर एक बार दाँत क्योंकि सारे आपके एप्लीकेशन में जगह पर आए आपके बीच में, वो कि कहीं ना कहीं सरकार न तो आपको अधिकार देने के पक्ष में था और न ही तो नहीं। मैं नहीं कहूँगा सरकार अधिकार देने के पक्ष में, जहाँ तक ये मुख्यमंत्री का विचार के बारे में उनकी इच्छा है, और जब मैं जल्दी मुझे मिला हूँ तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को इसको आना चाहिए गाइडेंस, या प्लस अगर बढ़ाना है तो हमको लोकायुक्त को अधिकार देना होगा, क्योंकि अधिकार को देने की दिशा में कितनी कार्रवाई हुई है इसकी पूरी तरह जानकारी मुझे नहीं है। मैंने पिछली बार में था कि एक्ट को जो लोकायुक्त एक्ट है 1973 का बिहार एक्ट था, वो 2001 में बना, यहाँ बिहार एक्ट को ही मान लिया गया कि बिहार एक्ट, बिहार अपना अपनी पुराना एक्ट को चेंज कर चुका है, लेकिन हम भाई बिहार के पुराने एक्ट पर ही चल रहे हैं। अगर नया उसका अमेंडमेंट या नया एक्ट लाया जाए, लोकायुक्त को पावर दिया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको पूरी तरह से बुलाया दिया जाए, उसकी इंक्वायरी कर सके और सब कार्रवाई कर सके। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया है, मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह खबर कर चुका, लेकिन बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कई बार स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इसके दायरे में आने के लिए एक कहना एक आना नहीं। पिछले दो दिन पहले ही मैंने टेलीग्राफ पेपर में घूमने दिखाया कि स्टेटमेंट आया लॉ कमीशन के चेयरमैन, लॉ कमीशन के चेयरमैन का उनके पास सरकार द्वारा बढ़ाया गया है एक्ट में क्या संशोधन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, और उनका स्टेटमेंट आया है कि लोकायुक्त को पावरफुल बनाने की दिशा में मैंने सर कर दिया, ताकि मैं यही का न्याय प्रदान कर सकता है,
और ये फाइनल स्टेज में उसके बाद में सरकार में शॉर्ट तो मतलब ये सरकार ने कुछ पहल किया है कि एक्ट को अमेंड किया जाए या ये नया एक्ट लाया जाए। अब ये कब तक आएगा, कब तक पास होगा, कब तक ये पावर मिलेगा, भी करना मुश्किल है। लेकिन किस दिशा में मुझे लगता है कि कुछ कार्रवाई तो बुलाट की होगी। तब तक उसके लोकायुक्त दाखिल पूरी तरह से नहीं कर पाए। अब जिस पर्पज के लिए ऑफिस बनाया गया वो पर्पज कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोकायुक्त की लोकायुक्त नहीं पूरी तरह से उपयोग तौर पर बहुत से मामलों में मैंने किया है, आज कार्रवाई हुआ है, बहुत मामलों में गड़बड़ियाँ पकड़ी है। तो उससे भी है ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की एजेंसियों से जिला निकारा और निकलना है, ठीक है। लेकिन अब जैसे बहुत बार आता है रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में पाया गया है जो है तो गड़बड़ी पाई गई, रिपोर्ट उस पर मैंने कार्रवाई की। कारण आपको पता है, कारण यह है कि वहाँ का लोकल एक्ट जो है तो नया है और बहुत पावर किया हुआ उसने। लोकल एक्ट हर एक स्टेट में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में नया बन गया, उत्तराखंड में नया बन गया, हिमाचल प्रदेश में नया बन गया, कर्नाटक में भी नया बन गया। जो कि उन्होंने कहा ये बिहार का एक्ट 1973 का वही अभी तक चल रहा है यहाँ। जब तक ये नया एक्ट नहीं लाएंगे, जब तक उसमें पूरी तरह संशोधन नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोकायुक्त को अगर कंपेयर कीजिएगा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के लिए बेमानी है। तो वहाँ उनको पावर है, उनको अलग एजेंसी है, उनको सर से चीजें का पावर है, रेड करने का पावर है, यहाँ को नहीं है। वो जो यहाँ नहीं है, जब तक वो चीज़ें नहीं मिलती है पूरी तरह को मैंने कहा पूरी तरह ये लोकायुक्त की संस्था काम नहीं करती। निगरानी में लगे हुए बड़े बड़े लोग उन्होंने के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उसकी कोई एजेंसी कैसे काम करेगी, कैसे आपकी एजेंसी को कैसे काम करेगी, उसको उस मामले की दवाई की एजेंसी अलग इंडिपेंडेंट होगा अभी जैसे हमारी राज्य सरकार की विद्यार्थी वो जो मामले की दवाई अगर उस मामले को अगर आप उस मामले को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक ये एक्ट अभी तक जो प्रोविजन है जो होता है उसके मुताबिक अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑलरेडी कहीं केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो ऐसे मामले को मैं कर रहा हूँ, इंक्वायरी मैं नहीं कर सकता। अगर बस दस वो बीत गए तो उसके इंक्वायरी तो उसके ऊपर सबसे विजिलेंस के खिलाफ जब इंक्वायरी मेरे पर कंप्लेंट आएगा कि विजिलेंस वाले जो हैं उसको पर्पसली इसको रोके हुए हैं और नहीं कर रहे हैं, पर्पसली जान बूझ कर उसको दबाए हुए हैं, विजिलेंस के खिलाफ मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ। तो ठीक है, उनके खिलाफ नहीं कर सकता, वो तो
इसका अच्छा नहीं कर सकते, तब तक वो पावर वो एजेंसी मुझे इंडिपेंडेंट नहीं मिलता है जो कर यहाँ पर अभी तक जो भी चीज जो भी एक्ट बनाकर विकास करते थे उसका ये असली प्रारूप है, तो इसके लिए प्रचार नहीं हो पाया विकास के लिए मैंने अभी जो भी प्रारूप है उसको प्रचार मैंने उसके प्रदेश की आपने जॉइन कर दिया था और डेढ़ साल से मैंने तो उसको 2011 जनवरी में आया उसको सारे तो मैंने क्या किया सुधार के पहले मैंने वेबसाइट लॉन्च किया तो वेबसाइट कल से इन्फॉर्मेशन पहुँच भी सकता है, ये वेबसाइट सभी नहीं पहुँच सकते सभी और जो उसके पास कंप्यूटर है उनको देख सकते वेबसाइट पर मैंने एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, एक्ट क्या है, आपको जन पब्लिक में क्या अधिकार है, आप जो कई संस्था को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या इंक्वायरी मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अधिकार करता भी है, इसके अलावा आपके केस की अद्यतन जानकारी पूरा होगा रहता है, ये तो हुआ एक वेबसाइट। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने ऑडियो सीडी मैंने लॉन्च किया, ऑडियो सीडी में एक्ट के बारे में बताया है, गांव के परिजन केवल गांव के बारे में कभी आप सुनिए गए उसको, तो उसको जैसे गांव में कैसे कपाल बैठा हुआ उसमें गाँव वाला देहाती जो है पूछ रहा है अपने उसको मानकर विषय के लोग बताए हैं उनका क्या है, बुकलेट मैंने रिलीज किया बुकल संख्या के बारे में जो भेजेगा उसको मैं जगह जगह जा करके मैंने लीगल अवेयरनेस कैंप विधिक जागरूकता शिविर लगा था, छपरा गया मैं, यहाँ रांची के गांव में गया, बोकारो गया, ये सब जगह में जाकर के मैंने उसका उपयोग किया है जितना जहाँ तक मेरे संसाधन संसाधन जब तक की सरकार की पूरी तरह ये मंत्रालय हम लोकायुक्त को पूरी तरह से कुछ बनाना बनाते हैं तब तक इसका पर्पस और या इसका उद्देश्य बनाते हैं आपकी सरकार वो अधिकार और संसाधन क्यों नहीं दे रही? ये तो सरकार को पूछिए, ये मैं कैसे बता दूंगी सरकार क्यों नहीं दे रही? आप क्या सोचते हैं सरकार क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं देना चाहती है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अगर जान सक मेरा विचार है कि शायद समझते होंगे शायद ऑफिसर के दिमाग में ये होगा अगर मैं पूरी तरह पूरा अधिकार और पूरा पावरफुल सशक्त बना लेता हूँ मेरे ऊपर ही बढ़ जाएगा एक आदमी जो मेरे महसूस करते हैं कि अगर मैं पूरी शासन संपन्न और शक्तिशाली बना दूंगा तो कहीं मेरे सामने भी कर्नाटक की स्थिति मध्य प्रदेश की स्थिति न उठ हो सकता है, तो ये यहाँ से कोई भी अधिकारी आपके बारे में कहा जाता है कि आपको अगर अधिकार मिल जाए तो आप इसी को बख्शे होंगे, ये ऑफ सिस्टम को जो एक ऑफ है या आप जैसे और आने वाले ऑफ तो नहीं होते हो सकता है, ये कैसे श्योर मैं कैसे बता सकता हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्यों नहीं लेना चाहिए, एक बात ये भी है कि जब तक साधन और संसाधन नहीं मिलते तब तक आप चाहकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ ये तय है कि यदि ज़्यादा आप कुछ करेंगे तो साधन संसाधन उपलब्ध कराने वाले को भी दिक्कत हो सकती है, आप बार बार ये कर चुके हैं कि हम भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और नेताओं में तो ये बन कि जान वायरस की करता है, तो इसका निराकरण क्या है? सरकार ने ऐसा कर दी कि इतने वर्षों में सब भ्रष्ट 100% भ्रष्ट नहीं है हमारा, एक तो बात है काम करने वाले लोग हैं राजनेता में भी हैं और सरकारी ऑफिसर में भी ब्यूरोक्रेट तो भी ऐसा नहीं है कि सभी भ्रष्ट एक से एक काम करने वाले लोग, अगर जब तक वो अपना स्टैंड लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे हमको अगर अपना स्टेट को आगे बढ़ाना है चाहे हम किसी रिक्यूज भी करना पड़े तब तक वो ज्यादातर लोग तो नहीं चाहेंगे।
हमारे पहले वाले हमारे पहले लोकायुक्त तो की बेचारे बहुत ही बेचारगी की स्तर पा करता है। उस समय की सरकार उन्हें किसी तरह की मदद नहीं करती है, वापस वापस भी इसको दूर प्रभावित होती है, नेटवर्क सुधारों की भूमि का चलता है। अभी भी जो है लोग हम नहीं समझते हैं 20% से ज्यादा काम होना चाहिए है जो बिना पावर के जो लोकायुक्त उनका जो पूरी तरह करना चाहिए सर 20% से 25% का काम किया। तो सर ये स्पष्ट तौर पर तो ये माना जा सकता है कि लोकायुक्त झारखंड में जो लोकायुक्त है वो उनका राज्य सरकार के एजेंसियों के लिए देंगे और जब तक ये एजेंसियों से उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा तो एजेंसी नहीं सौंपी जाएगी तब तक जो लोकायुक्त लोकायुक्त यहाँ पर किस तरह का मामले जाता पहला मैंने कहा लोकायुक्त तीन तरह का मामले होते हैं इनएक्शन अब्यूज ऑफ पावर और करप्शन। इनएक्शन मीन करके मान लीजिए कोई अस्पताल में मरीज खराब करता है तो पेंशन आठ साल बता को नहीं दूसरा है सरकारी योजना में घोटलेबाजी, सरकारी योजना का पूरी तरह कार्यान्वयन नहीं होना, तो पैसा का बंदरबाट कर लेना, वो मामले भी बहुत है, वैसे मामले में बहुत पड़ रहा हूँ और बगड़ते उसको कार्रवाई करने का आया भी इस पर रिपोर्ट यहाँ पर गड़बड़िया तीसरा है करप्शन, करप्शन के हाल ये पैसा ले करके या इतना घूस ले करके या इस तरह का जो नहीं कमा करके ये काम किया वैसा मामला इस बात में ये आपके दायरे में जनता कहाँ से रही है, जनता की शिकायत के काम कर रही है, एक आम जनता की शिकायत एक आम जनता की जो पीड़ा है उसकी व्यक्तिगत की पीड़ा उस सिस्टम की उसके लिए कोई स्थान मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को परेशानी उठानी पड़ती है हमने पास कर मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट उसको दौड़ सकते आता है उसके कंप्लीट आता है मान लीजिए कि पुलिस किसी को काम के दौड़ जाती है हाँ तो गाड़ी वो दफ्तर में चक्कर लगा रहा है उसको जो लोन मिलना चाहिए जो काम जो उसको नहीं मिल रहा है तो कंप्लीट है उसका अपनी इंक्वायरी करता हूँ बहुत कॉम्प्लीट सिस्टम राशन शॉप में जो हम लोग मरे आदमी का नाम सर्च कर रहा है ब्लैक मार्केट कर रहा है नहीं मानवाधिकार कुछ उसका आयोग है यार अगर जैसे लगता है कि खिलाफ कर मैंने ये एफ आई आर ब्लॉक करने के लिए गया रिटर्न रिपोर्ट दिया लेकिन उसको ब्लॉक नहीं किया या मैंने एफ आई आर मेरा ब्लॉक हुआ पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या जो जो अकीज है उसको बचा रही है इस मामले आते हैं मैं सब देखता हूँ उस मामले आपके आगे एक मामले आपको धनबाद को मामला था एक मामूली आदमी था उसने कहा कि मुझे जो है तो पुलिस जो है समस्या पर तंग कर रही है हमको केस में फंसा रही और उस तरह को जेल में डाल दिया तुम्हारे इंक्वायरी करवाया आज तक से और वहाँ जो रिपोर्ट आया कि हाँ ये जैसे इसके ऊपर एक क्रिमिनल के कर दिया था उन्हीं के घर में चोरी कर दिया था एक तो वो आदमी को रात को जीतता भी नहीं है
उनके बारे में दूसरा विभाग स्थान से दिया सकता है। पुलिस ने उनका शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने की रिपोर्ट सौंपा और उस पर मैंने उनको कार्रवाई करने के लिए तरीका हुआ है। सर, एक एक्शन मेरी सबसे कॉर्पोरेट जगत से कुछ खबर नहीं वो कॉर्पोरेट जगत के लोग डायरेक्ट समाचार का जिसको करते हैं, लेकिन वो उसको रंगदारी पर जो बाउंस सारी धाराएं लगाकर उसको रात को 12 बजे पुलिस द्वारा उठवा देते हैं। 4 घंटे के अंदर उसको जेल किसी के कोई मोबाइल नहीं इस तरह के मामले के लिए मोबाइल इस मामले में बहुत सुधार होगी। ये मानवाधिकार हरण का मामला बनता है, ऐसे किस कार्रवाई करते हैं तो जेल में डाला गया, इसके फंडामेंटल राइट को इंफ्रेंस किया गया, ये बहुत अच्छा से है। लेकिन यहाँ के आयोग पुलिस से इतना जाती है कि लोकायुक्त को जब मेनली बनाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ कि एक आदमी एक आम नागरिक के साथ अगर कोई दबाव है, कोई रिश्वत लेकर कोई पुलिस अधिकारी या कोई अधिकारी आम आदमी को प्रश्न करता है और उसके पास प्रमाण है कि मेरे साथ ये गलत किया गया है, उन्होंने भावना से प्रेरित होकर कहीं कहीं लालच से प्रेरित होकर तो वो लोकायुक्त को वो कार्रवाई करने का अधिकार है। कर्नाटक में है एमपी में, एमपी में मेरी हत्या की इस तरह के मामले दायर किए गए।